रविवार रात ग्राम पंचायत लाहला के सुभाष चौक में एक दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। इस दुकान में बिजली का सामान, पाइपें, पानी की टंकियां व अन्य सामान आग में जलकर राख हो गया। दुकान के मालिक नितिन भंडारी ने बताया, रात लगभग 12 बजे पड़ोसियों ने बताया आपकी दूसरी मंजिल की दुकान में आग लगी हुई है, जिसकी सूचना पालमपुर फायर ब्रिगेड को दी गयी। थोड़ी देर में ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर आग पर काबू पा लिया, परंतु तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। नितिन भंडारी ने बताया, अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नगरी से कुलदीप सोनी की रिपोर्ट।